हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम आपको बेसिकली चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। तो आपका क्या है सर, ट्रायंगल है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने क्लास 6-7 से ही ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी कि हर एक मतलब ट्रायंगल कैसे बनता है। तो ट्रायंगल जो होता है बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं। ट्रायंगल आप देखो, ट्रायंगल का मतलब होता है 3 एंगल और 3 साइड्स। मतलब ये कहा गया कि बेसिकली ट्रायंगल जो होता है फर्स्ट पॉलीगन होता है आपका, बेसिकली जो क्लोज फिगर 3 साइड से क्या होता है, क्लोज फिगर फॉर्म होता है 3 लाइन सेगमेंट से। ओके, इसके बाद उसमें 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 वर्टेक्स के साथ साथ 3 एंगल होते हैं, और उन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, तो ट्रायंगल के में बेसिक हम यहाँ पे सबसे पहले सर एक कॉन्सेप्ट आता है, BPT थ्योरम आता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, ये आपको 2 ट्रायंगल गिवन है और उनमें तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है सर, सेम है, और इसके साथ ही साथ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो उस केस में आपका क्या होगा, मीन्स ट्रायंगल क्या कहलाएगा सर, सिमिलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। आगे बस समझ में आई, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें ये चीजें मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एक्सरसाइज 6.2 करेंगे तो वो चीज हम वहां पे देखेंगे। आगे बस समझ में, तो चलिए सर जी शुरू करते हैं आपका बेसिकली एक्सरसाइज 6.1, जो कि बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और मतलब एक तरीके से बहुत छोटा एक्सरसाइज है, मात्र 10 मिनट का, तो ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। ओके चलिए सर, एक्सरसाइज 6.1 में आप देखें लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। आपका लिखा ऑल सर्कल, ऑल सर्कल्स। आप देखिए सर, ये सर्कल के बारे में आप जानते हैं कि जब कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट एंड फिक्स डिस्टेंस के अबाउट क्या करता है, फिक्स डिस्टेंस से क्या करता है, मूव करता है, मीन्स रोटेट करता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, सर्कल फॉर्म करता है। फिक्स डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस ऑफ सर्कल कहलाता है, और जो फिक्स पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये कहा गया कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नहीं मेरे भाई, वो उसका रेडियस क्या होता है वहां पे सर जी, बिल्कुल आपका सर्कल है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिस्टेंस आप मेजर करेंगे सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरीके से ऑल सर्कल्स आर क्या होते हैं सर, सिमिलर होते हैं। क्या आंसर होगा सर जी, सिमिलर होगा। कैसा होगा मेरे भैया लोग, सिमिलर होगा। बोलो बात समझ में आ गई। इस तरीके से इन्होंने कहा कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। मेरे भाई आपने पढ़ा होगा स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ईच साइड्स क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं, ईच एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 90 डिग्री, ईच डायगोनल, डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सर, डायगोनल और क्या कर सकते हैं, बाइसेक करते हैं। तो इस तरीके से सर जी उसमें कौन सा लक्षण आएगा सर जी, सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी आ जाएगा, कौन सा आएगा सर जी, सिमिलर होने का प्रॉपर्टी मिलेगा। बोलो सर क्लियर होंगे, तो ऑल स्क्वायर साथ क्या होंगे सर जी, बेसिकली आपके सिमिलर होंगे। ओके, इसी तरीके से आप आगे बात करें ऑल ट्रायंगल्स आर। अब मेरे भैया ऑल ट्रायंगल्स जो है आइसोसेलिस ट्रायंगलर सिमिलर हो सकता है, नहीं सर। क्या होगा सर, सिमिलर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा सर। कौन सा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है उनके सारी साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं, सारी साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मेरे भैया लोग आप यहाँ पे फिल कर देंगे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है बेसिकली कैसा होगा, सिमिलर होगा। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए फोर्थ पॉइंट पे आती है, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर ऑफ इफ देयर। मतलब एक बात इन्होंने कहा कि बेसिकली 2 पॉलीगन दिए हैं सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें। अब वो सर ट्रायंगल है आपका, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, या फिर क्या है, या पेंटागन है, हेक्सागन है, आई डोंट नो, मतलब पॉलीगन है, लेकिन उनके साइड्स क्या है, सेम है। वो कब होते हैं सर, साइड्स कब सिमिलर होते हैं, साइड्स सिमिलर तब होते हैं, मैंने सबसे पहले ही कहा था सर BPT थ्योरम, जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, प्रपोर्शन होते हैं, और इसके साथ ही साथ जो है उनके एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो देखिए सर जरा आंसर में आइए, देख corresponding angles are, भी corresponding angles are क्या होगा सर जी, equal होगा, and their corresponding sides क्या होगा सर, proportional होगा। क्या होगा सर जी, corresponding sides कैसा होगा, proportional होगा। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई लोग, तो B part में लिखेंगे their proportional, मतलब means their corresponding sides are proportional। बोलो clear हो गया। तो इस तरीके से fill in the blanks करना था, कहीं पर कोई doubt हो तो comment section में जरूर लिखे, बहुत important topic है, 10 से 12 marks का paper आया, ठीक है ना मेरे भाई लोग। आपके लिए day सर जी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो पे बनाते हैं, और इसके बाद एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको शॉर्ट वीडियो में हम दे रहे हैं पर डे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो
कोड के पैटर्न से काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस समय हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का करा रहे हैं, ओके। तो इसलिए कायदे से ध्यान से सीखते जाइए, सीखते और समझते जाइए। कहीं पर भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करें, ओके। तो चलिए सर आगे नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू की लिखा है कि गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ, भैया एक बात बताइए, दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स देना है पेयर ऑफ का, सिमिलर फिगर्स का। तो मेरे भैया एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इस साइड्स क्या होते हैं सर, अभी आपने प्रीवियस में लिखा है सिमिलर होते हैं, तो ये डिफरेंट लेंथ के हैं, मतलब कि पेयर ऑफ इक्विलेटरल। क्या लिखेंगे सर, ये पहला एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर वन, पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट लेंथ लिख लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट लेंथ। बोलो बात समझ में आ गई सर, क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट लेंथ। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं सर जी, मतलब डिफरेंट साइड लिखो या डिफरेंट लेंथ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया सर जी। दूसरा एग्जांपल आप सिमिलर का देना चाहें, सिमिलर फिगर का, तो आप लिख सकते हैं पेयर ऑफ, क्या लिखेंगे सर जी, पेयर ऑफ रेक्टेंगल्स, पेयर ऑफ रेक्टेंगल्स विथ डिफरेंट लेंथ। भैया लेंथ और क्या होता है, विड्थ होता है, डिफरेंट लेंथ एंड विड्थ, क्या लिखेंगे, डिफरेंट लेंथ एंड विड्थ लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से सिमिलर फिगर का पिक्चर होगा, मींस आपसे ये कहा गया कि पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट लेंथ होना चाहिए। अरे मेरे भैया डिफरेंट लेंथ देखो, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहेगा सर, सेम रहेगा ना, तो आपका ट्रायंगल कैसा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल है सर 60 60 60। बात समझ में, इसलिए बोलो क्लियर हो गया कि अब पेयर ऑफ रेक्टेंगल्स डिफरेंट लेंथ विड्थ होंगे, लेंथ विड्थ होंगे तो उनका रेशियो सेम होगा और उसके साथ ही साथ एंगल तो इक्वल होंगे ना भैया, 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, अब कोई दिक्कत मेरे भाई लोग इसमें, आगे समझ में। अब मेरे भाई लिखा है नॉन सिमिलर फिगर्स की बात है, ये दो एग्जांपल, नॉन सिमिलर फिगर का जो एग्जांपल आप देखेंगे मेरे भाई लोग ध्यान से समझिए, पहला एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं, तो आपसे ये कहा गया सर जैसे मान सर आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल भैया इसमें दो साइड क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया और दूसरा इसी में पेयर, पहला पेयर क्या हो गया, आइसोसेलेस एंड स्केलिन ट्रायंगल, क्या हो गया सर जी, स्केलिन ट्रायंगल हो गया। अब ये कभी क्या हो, सिमिलर नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इनमें एंगल अलग होता है, इसमें एंगल अलग होता है, दो सेम होता है एक डिफरेंट होता है, इसमें तीनों ही डिफरेंट होता है, साइड भी डिफरेंट होती है, तो इनका रेशियो कभी सेम नहीं हो सकता। तो ये नॉन सिमिलर फिगर का फर्स्ट पेयर एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, जैसे आपका सर रेक्टेंगल है और आपका पैरेललोग्राम है, आपका क्या हो गया सर जी, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम ये कभी सिमिलर नहीं माने जा सकते। बोलो क्लियर हो गया, क्यों। अब सर जी रेक्टेंगल में सारे एंगल क्या होते, 90 डिग्री होते, और पैरेललोग्राम में क्या होता है सर, पैरेललोग्राम में आपके क्या होते सर जी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री एक भी एंगल मत नहीं होता। बात समझ में आ गया कि नहीं, बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल कैसा हो गया, नॉन सिमिलर फिगर हो गया, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का जो ये पेयर है वो भी कैसा हो गया, नॉन सिमिलर फिगर हो गया। बोलो बस समझ में आ गया सर, कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर राइट डाउन करेंगे। बोलो बस समझ में आया मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत, बोलो ना, आ गया, थैंक यू। चलिए सर एक क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का उसी में ध्यान से देख लेते हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे मेरे भाई लोग, बस कायदे से सीखते जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, तो इस तरीके से बहुत ही आज बारी शुरुआत हो रही है 6.1 की, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बेसिकली लाइक सब्सक्राइब कराएं मेरे भाई लोग, जिससे कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। एक एक क्वेश्चन आपको सिखाया जाता है, चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट कवर कराया गया, 5.1 से लेकर के 5.4 तक विथ ऑप्शनल तक, तो इसलिए अच्छे से सीखते जाएं और समझते जाएं, ओके। चलिए सर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आपसे यहाँ पे क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, इन्होंने कहा कि स्टील विद द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर आर नॉट। तो सर मैं वो क्वेश्चन आपका डायग्राम जरूर बनाना चाहूंगा, कुछ दे रखा है सर ध्यान से देखिएगा, ये 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, अगला जो है सर 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, इधर भी आपको 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है और इधर भी आपका 1.5 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू आर एंड एस ऐसा कुछ लिखा है। दूसरा आपको दे रखा है सर जी रेक्टेंगल टाइप, रेक्टेंगल जैसा दिया है, देखते हैं सर रेक्टेंगल ये क्या, स्क्वायर है मेरे भाई, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से इसके नामकरण में क्या है सर, ए बी सी डी है भाई, लिख लो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया सिमिलर ये पूछा कि ये बेसिकली दोनों फिगर सिमिलर है या नहीं, अब सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी आपको बताएगी कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा, और इसके साथ जो है क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शन मीन्स क्या होता है, इक्वल होता है, ओके। इसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो मेरे भैया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो चलिए सर जी जरा ध्यान से देखिए, आपका जैसे पी क्यू है
तो पी क्यू अपान जो है इन कोऑर्डिनेटरल आप लिख सकते हैं। सर जी ध्यान से समझिएगा, इन कोऑर्डिनेटरल पी क्यू आर एस और इसके बाद जो है ए बी मीन्स कोऑर्डिनेट मीन्स आपका जो स्क्वायर है ए बी सी डी। तो आप अब यहाँ पे देखिए सर पी क्यू अपान लिखिए सर ए बी, अब पी क्यू अपान ए बी 1.5 अपान 3, तो इस तरीके से आपको पता है 1.5 का मतलब 3/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया सर 1/2 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगला आप देखिए सर जी पी एस, पी एस अपान क्या निकालेंगे सर ए डी, अब पी एस अपान ए डी यदि आप देखें तो 1.5 अपान कितना हो गया 3, अगेन 1/2 आ रहा। तो सिमिलरली करके इसी तरीके से आप देख सकते हो सर जी लगभग सभी के रेशियो क्या होंगे सर सेम आ रहे हैं। क्यू आर अपान क्या करोगे सर बी सी करोगे, तो क्यू आर अपान बी सी भी कितना आएगा 1.5 3 1/2 आएगा। इसी तरीके से आर एस आर आप देखो या आर एस अपान देखें सी डी को देखें तो आपका कितना आ गया 1.5 मतलब दैट मीन्स 1.5 अपान 3 1/2 आएगा। तो रेशियो क्या है सर सेम है, लेकिन रेशियो क्या आ रहा सर जी सेम आ रहा है, लेकिन अब आप बट देखिए सर जी एंगल जो है आपका एंगल पी जो है ये सब 90 डिग्री एंगल है और वो 90 डिग्री नहीं है, तो एंगल पी नॉट इक्वल टू एंगल यहाँ पे ए, तो दैट मीन्स क्या हो गया सर। अब इस तरीके से एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल क्यू, तो इस तरीके से एंगल सी नॉट इक्वल टू एंगल क्या है सर आर, एंड एंगल एस जो है एंगल एस या लिख लीजिए या डी जो भी है ठीक है ना, एंगल एस नॉट इक्वल टू एंगल डी, बोल बात समझ में आ गई। तो क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या सर इक्वल नहीं है, और जब क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स बोथ फिगर्स आर नॉट सिमिलर, क्या लिखेंगे मतलब फिगर्स आर नॉट सिमिलर लिखेंगे, बोलो क्लियर हो गया ना, फिगर्स आर नॉट सिमिलर, सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होगी सर फेल हो गई, इस वजह से क्या हो गया मीन्स आपका नॉट सिमिलर हो गया, बोलो बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कोई दिक्कत, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही छोटे मतलब हल्के क्वेश्चन थे। तो अगले वीडियो में जब हम आपके लिए 6.2 लेकर आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा सर, काफी धमाकेदार होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कायदे से वीडियो को पढ़ें सीखें, चैप्टर्स की शुरुआत हो चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।